श्रीवेदव्यासाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीशवन्दे कीर्तिप्रदे अखिलमनोरथदे महाधे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापगारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तु ते। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः शिताम्रशचिनिन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसिताम् अशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि क्रतयामुनु गाङ्गसङ्गम्। राधामुकुन्दयुगुलं तदहं नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
राम राम बोल शिव शिव बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की श्री दुर्गा माता की वैदिक सनातन धर्म की भक्त भगवान की समागत ब्रह्म स्वरूप भक्तगणों श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों परीक्षित रूप में विराजमान श्याम किशोर जी वाजपेयी सपत्नी आज इस पावन धरा पर अनंतानंद ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्मो परमपिता परमात्मा जगदाधार सर्वनियंता सर्वनियामक सर्वसत्तावान अखंड प्रमेय नारायण भगवान राधा कृष्ण की महती कृपा दृष्टि से पशुपति नगर की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्तिदायिनी हरि कथामृत स्रोतस्विनी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का समस्त देवता समस्त धाम इस पावन परिसर में विराजमान है। तत्रैव गंगा तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानदो हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंदभद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम विराजमान है। सभी देवता विराजमान है। हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयूं तेरे द्वार
हे वृषभानु नंदिनी अब मेरी वो निहार ले तो सदा सुध दीन की सहज दया के दाम जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। कथा श्रवण हित आइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से जब भागवत सुनने हेतु एक एक पग आगे बढ़ाते हैं तो अनेक यज्ञों का उन्हें फल मिलता है। नंद के घर बड़ा आनंद, स्वयं आनंद कंद पधारे हैं, जय घोष हो रहा है। बोले कन्हैया लाल की, और नंदोत्सव में पूरा ब्रज सम्मिलित हुआ और स्वयं भगवान चंद्रमौली शशांक से घर भगवान शंकर पधारे हैं। भगवान बाल कृष्ण का दर्शन पाया है और कृतकृत होकर कैलाश गए, और इधर कंस ने एक राक्षसी भेजी ब्रज के बालकों का वध करने के लिए, एक राक्षसी भेजी। महाराज श्री लिखते हैं व्यास भगवान, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश चचार निघ्नंती पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने एक राक्षसी भेजी है, इसका नाम है पूतना। पू पीवरा यस्या तना सा पूतना, जिसका शरीर बहुत विशाल है, पर्वताकार है, छह कोस का भारी है, ऐसी पूतना त्रिगव्यूत, छह कोस का विशाल शरीर जिसका, बड़ी भयंकर राक्षसी घोर है। पू पीवरा यस्या तना सा पूतना पूतम नायासा पूतना, पूतम पवित्रम नायासा, जो पवित्र नहीं है अपवित्र है ऐसी पूतना, बड़ी अपामन रुधिरासना बालग्नि ऐसी पूतना। पूतान नयति यासा पूतना, बालकों को उठा ले जाती है, मार देती है ऐसी पूतना, बाल घातिनी राक्षसी। अब ये ब्रज के शिशुओं का वध करती हुई आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी। साखे चरी एक दो पेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानम प्राविशद कामचारिणी। सा खेचरी खे आकाशी चरी चरती आसा खेचरी, आकाश मार्ग से चलती है, ये आकाश मार्ग से भ्रमण करती हुई इसने देखा गोकुल में नंद बाबा के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, यहां तो बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है, मां महोत्सव मनाया जा रहा है। तो पूतना ने विचार किया, मैं तो भयंकर शरीर वाली हूं, वहां कैसे जाऊंगी, लाओ हम सुंदर बन जाए। उसने बहुत सुंदर अपना स्वरूप धारण किया, अप्सरा जैसी सुंदर बनी। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकां वृहन्नितं वस्तन कृच्छ्र मध्यमां सुभाससं कंपित कर्णभूषणं कुशोल्लसद कुंतल मंडितानदाम। पहले तो सुंदर बनी अप्सरा जैसी,
और इसके बाद अपने केशों को बांधा और केशों में इसने मोती गुहे और मल्लिका के प्रसून इसने उसमें चुने। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम वृहन्य तंबस्तन कृच्छर मध्यमान, इसके समस्त अंग बड़े ही मनोहारी हैं, बड़ी सुंदर बनी है, कौशे पट्टाम्बर रत्नों से सुसज्जित हो गई और ये अप्सरा की भांति लक्ष्मी की भांति शोभायमान होती हुई आगे ब्रज वीथिकाओं में चली। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां ब्रज उकशां अमंशतां भोज करेण रूपिणीं गोप्या श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। वल्गुस्मिता, वल्गु माने किंचित कुछ कुछ, मंद मुस्कान करती हुई आगे चली। वल्गुस्मिता अपांग विसर्ग वीक्षित, नेत्रों को चंचल करती हुई चारों ओर इधर उधर चंचल कटाक्षपात करती है, इधर उधर देख रही है चंचलता से और ऐसी चंचल चाल चंचल चितवन और हाव भाव चेष्टाएं जब पूतना ने की तो मनोहरंतीम इसने मन हरण कर लिए सबसे। ग्वालों के मन हरण हो गए कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मनोहरंतीम बनिताम ब्रजोकशाम, अब तो ब्रजांगना नाम मनोहरंतीम, ब्रज की गोपिकाओं का मन हर लिया इसने, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। नारी कभी नारी के रूप पर मुग्ध नहीं होती, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा पन्नगारिया नारी कभी नारी के रूप पर मुग्ध नहीं होती, लेकिन पूतना का सौंदर्य कृतित्व व्यक्तित्व रूप राश ऐसी मनोहारिणी है कि इसने नारियों का भी गोपिकाओं का भी मन हरण कर लिया। रामायण जी में चौपाई है, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता जी ने जब रंगशाला में पद रखा तो उन्हें देखकर सब नर नारी मुग्ध हो गए। सीता जी को योग माया है और ये एक माया सबके मन को खींच लेती है, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छुत, सबके मन को खींच लेती है तो कोई आश्चर्य नहीं, सबके मन आकर्षित कर लिए जानकी जी ने। लेकिन दूसरा भाव है, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, ब्रज की वनिताओं का इसने मन हरण कर लिया। अब सभी कह रहे हैं, आइए भाई जनक जी, तो बड़े भाव से अब सबने देखा और ये कह रहे हैं लगता है ये लक्ष्मी जी हैं। अमंसताम भोज करेण रूपिणी, अम्भोज करेण रूपिणी, अम्भोज कमल धारण करने वाली ये कमला है, इनके हाथ का कमल कहीं गिर गया है ये तो कमला है। अम्भोज करेण रूपिणी, ये रूपिणी है,
ताम रूपिणी आबह, वेद मंत्रों में लक्ष्मी जी को रूपिणी कहा। ये रूपिणी है श्रीयम देवी, ऐसी भगवती हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णाम रजतस्रजाम, वो भगवती ऐसी रूपिणी ये लक्ष्मी जी हैं। इनके आंख का कमल कहीं गिर गया, ये कमला है। लक्ष्मी जी आई हैं, क्यों आई हैं ब्रज में? आपस बोली, लक्ष्मी जी क्यों आई हैं? बोले, गोप्या श्रीयम दृष्टुम, गोपों की शोभा देखने आई हैं। एक बोली, इवाम गताम पतिम, लगता है इनके भगवान पति जी नारायण कहीं खो गए हैं, उन्हें ढूंढने ब्रज में आई हैं। इवाम गताम पतिम, या तो ये नांग कन्या है, गंधर्व कन्या है, किन्नर कन्या है, पन्नक कन्या है। नगी की धाओ पन्नग की जाई, नगी की धाओ पन्नग की जाई, कमला की धाओ रूप धरी आई, कमला की धाओ या तो ये नांग कन्या है, या पन्नंग कन्या है, या कमला ही आई है, कमला की धो रूप धरी आई। ऐसे ही आपस में चर्चा कर रही थी। अब पूतना के पीछे पीछे सब जा रहे हैं, आगे पूतना। माता यशोदा के द्वार पर पहुंची तो बड़ी भीड़ है आंगन में, तिल डारो तो सांस नहीं, कितनी भीड़। जो देवी जैसे आवे वैसे ही बैठ जाए पीछे, आगे जाने का कहां साहस, वहां इतनी भीड़ ही है। लेकिन जब पूतना गई तो इतना रूप सुंदर, इतना मोहक कृतित्व व्यक्तित्व, गोपिकाओं ने स्वयं रास्ता बनाया। और रास्ता बनाते बनाते पूतना को बीच आंगन में ले गए। पूतना बोली, समय अभाव है, बड़े राजकाज हमें करने हैं, हमें शीघ्रता से यशोदा से मिलाओ। अब गोपिकाओं ने सोचा, ये कोई महारानी है, देवी है, यशोदा से नहीं मिलाया जाए। तो रोहिणी जी आई, अम्बा रोहिणी ने इनकी पकड़ी उंगली और लिवा के चली यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया ने देखा, जिस महिला को लिवा करके ला रही है देवी रोहिणी, ये कोई बहुत बड़ी राजरानी है, क्योंकि और किसी की उंगली पकड़ के नहीं लिवा लाई, ये कोई राजरानी है। जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। अब देवता बड़ा बुला ले, पूजा बिल्कुल ना हो तो देवता नाराज हो जाएगा। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा जस चाहिए देवता। तो ये लकड़ी के आसन पर बैठने वाली नहीं, ऐसा करो कि रत्नों वाला सिंहासन लाओ। अब पूतना के लिए रत्नों वाला सिंहासन डाल दिया गया। अब रत्नों के सिंहासन पर जो बैठने के लिए चली है, सूतिका गृह की ओर जा रही है, और उसी समय भक्तों भगवान श्याम सुंदर बाल गोविंद आज मिया के पास लेते हैं। विबुद्धताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना को आया जान, चराचर जगत की आत्मा, जड़ चेतन की अंतरात्मा, प्राणी मात्र की अंतरात्मा, भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। निमीलिते क्षण, अक्षणा निमीलिता, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? नेत्र बंद करने के अनेक भाव हैं। भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में जाएंगे तो संतों का दर्शन करेंगे, महापुरुषों का दर्शन करेंगे। लेकिन ये पहले ही दिन राक्षसी अपना मुख दिखाने आई है, हत्यारिणी है। इस हत्यारिणी का मुख नहीं देखना चाहते, हत्यारे का मुख वैसे भी नहीं देखा जाता, हम इसका मुख नहीं देखेंगे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।
नेत्र बंद करने का अगला भाव है। भगवान ने विचार किया कि मैंने सोचा था ब्रज में जाएंगे तो माखन मिश्री खाएंगे। माखन मिश्री भगवान को बड़ी प्रिय है, जो कन्हैया को माखन मिश्री खिलावे तो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान, माखन मिश्री खाते हैं। माखन मिश्री का भोग उन्हें बहुत प्यारा है। ब्रज के भक्त गाते हैं, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जू के, 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 आ कौन खिलावे माखन मिश्री कौन खिलावे माखन मिश्री, कौन खिलावे मलाई बिहारी कौन खिलावे मलाई बिहारी जुबे, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जुबे, नैनन में नींद भरी आई खिलावे माखन मिश्री, मैया खिलावे माखन मिश्री, बाबा खिलावे मलाई बिहारी, बाबा खिलावे मलाई बिहारी, नैनन में नींद भरी आई बिहारी, नींद भरी आई बिहारी के, नींद भरी आई बिहारी के। माखन मिश्री कन्हैया को बड़ी प्यारी। भगवान ने सोचा कि हम तो माखन मिश्री खाने वाले और ये पिलाने आई है विष, तो विष तो हमने कभी पिया नहीं, किसी अवतार में नहीं पिया, हम इस पिलाने विष पिलाने वाली का मुख नहीं देखेंगे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अगला भाव है, भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखिए ये माया मैं स्वरूप बनाकर आई है, माया की सुंदरता धारण किए है और मैं नारायण हूं, मेरे नेत्र खोलते ही इसकी माया अदृश्य हो जाएगी, और जब माया अदृश्य हो जाएगी तो असली रूप में प्रकट हो जाएगी, और इसका असली रूप छह कोश का विशाल है, और जब छह कोस की ये हो जाएगी तो खड़ी कहां होगी, नंद बाबा का पूरा घर ही नष्ट हो जाएगा, पूरा गोकुल ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको इसी रूप में रहने देते हैं, अभी हम देखेंगे नहीं। भगवान ने देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का अगला भाव है, गोविंद ने विचार किया कि देखो ये विष पिलाने आई है मैं, और विष हमने किसी अवतार में नहीं पिया, विष हमने किसी अवतार में नहीं पिया, तो हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, वो विष पीने के बड़े अभ्यासी, इन्होंने नेत्र बंद किए और शंकर जी का ध्यान करने लगे, भगवान शंकर का ध्यान, जटाटवी जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम जंग तुंगमायुता, डमट 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 निदाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत न शिवा शिवा, कटाकटाह संभ्रमण भ्रमलिप निर्झरी, कटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिप निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धन, धगत 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 वलललाट पट पावक किशोर
चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। ओ कैलाशवासी, ओ गटगट के वासी, ओ अविनाशी त्रिपुरारी कालकूट गरल के आहरी, आओ आओ भोलेनाथ हमारे हृदय में बैठ जाओ। और ये पूतना पिलाने लगे विष तो करुणा निधान आप ही पी लेना। नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं तो नेत्र बंद करने के बड़े भाव। अगला एक भाव और बताऊं, काहे नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। भगवान सोचते हैं कोई दुष्ट मेरे दर्शन का आनंद नहीं पा सकता। जो पे दुष्ट हृदय सोही, जो पे दुष्ट हृदय सोही, मोरे सन्मुख आवे किशोरी, मोरे सन्मुख आवे किशोरी। कोई दुष्ट मेरे दर्शन का लाभ नहीं ले सकता। और ये दुष्ट भी है और दर्शन का लाभ भी ले रही, उतना दुष्ट है और दर्शन का लाभ भी ले रही है। तो इस जन्म में तो ये बड़ी दुष्ट है, बालकनी है। लाओ इसके पूर्व जन्म का ध्यान करें। तो ध्यान किया, दंडम सचत्रम सजलम कमंडलम, दंडम सचत्रम सजलम कमंडलम, या नर्मदायास्तत उत्तरे बलि। नर्मदा के उत्तरी तट पर भृगुवक्ष स्थान में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उस समय वामन भगवान हाथ में दंड छत्र कमंडल धारण किए चले और राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे तो वामन भगवान का अद्भुत स्वरूप देख राजा बलि की कन्या रत्नमाला के मन में मातृभाव उदय हो गया, वात्सल्य भगवान के प्रति उदय हो गया। ऐसा सुंदर श्यामल शिशु मुझे प्राप्त हो तो मैं अपनी गोद में लिटा करके उसे अपना पेय पान कराऊं, दुग्ध पान कराऊं। भगवान बोले, बहुत सुंदर भाव तुम्हारा आया, माता का भाव तो बड़ा उत्तम होता है। हम ये अवसर तुम्हें देंगे, तुम्हारी गोद में लेटकर तुम्हारा पेय पान करेंगे। लेकिन जब वामन भगवान ने विराट रूप लेकर के राजा बलि को छल लिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे बताया, जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, राजा बलि को छला, तो उस समय रत्नमाला के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ। रत्नमाला ने कहा, ऐसा अगर छलिया हमें मिल जाए तो इतना बड़ा छल इसके साथ करूं कि दूध के बहाने हम इसको विष पिला दें। दूध के बहाने विष पिला दें। भगवान ने कहा, यह भी तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। आज वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला पूर्व जन्म के वचनानुसार ये बनकर के आई है पूतना, दूध के बहाने भगवान को विष पिलाने आई है। भगवान करुणा निधान से छल करने आई है। श्याम सुंदर पालना में लेटे हैं, विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षण। अब तो चराचर जगत की आत्मा श्री हरि ने नेत्र बंद कर लिए। अभी पहुंची रत्न के सिंहासन पर बैठ गई। बोले, यशोदा मैया तुम्हारा लाला तो बड़ो सुंदर है, लेकिन एक बात है, ये भूखा है, तुम बूढ़ी हो, तुम्हारे स्तनों में दूध तो है नहीं, लाओ तुम्हारे लाला को हम दूध पिला दें।
यशोदा बोली गोपियां तो बहुत आई लेकिन तुम्हारे जैसी परोपकारिणी गोपी कोई नहीं आई। तुम बड़ी परोपकारिणी हो, लो बहन तुम्हारा ही तो लाला है सखी, लो इसको दुग्ध पिलाओ। पुतना ने कन्हैया को ऐसे पकड़ा जैसे अर्धरात्रि में कोई रस्सी के धोखे काला नांग पकड़ लो, ऐसे पकड़ा जगदान्तक कांत करने के लिए। उस राक्षसी पुतना ने श्याम सुंदर को पकड़ के दबाया, गोदी में से लेते समय दबाया। भगवान बोले अभी तुम दबाओ फिर हम दबाएंगे तब देखना। वो दबा रही है भगवान को और दबा के अपना जो विषाक्त स्तन है वो कन्हैया के मुख में रख दिया। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मुलबणम घोरांकमादाय किशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणी समम रोष समन्वितो पिबतो। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर बलवण, उसके स्तनों में हलाहल विष लगा था। घोरांक मादाय शिशोर ददावथ, कशकर के दबाया और वो विषाक्त हलाहल विष लगा स्तन गोविंद के मुख में रख दिया। भगवान ने मुंह हटाया नहीं, पीने लगे। क्या पी रहे हैं? दूध? नहीं। क्या पी रहे हैं? विष? नहीं। क्या पी रहे हैं? प्राण समान, उसके प्राण पी रहे हैं। दूध विष के साथ उसके प्राण पी रहे हैं। प्राण सबं रोष सबन्वितो पिबत, रोष के सहित तो रोष शिव का स्वरूप है, रुद्र है, मानो रुद्र ही पी रहे हैं विष। रोष सबन्वितो, रोष के समन्वित सहित रुद्र के सहित पी रहे हैं। रोष, रोष का अर्थ क्रोध है, दूसरा है रुद्र, रुद्र रुद्र के सहित क्रोध पूर्वक भगवान पी रहे हैं विष सहित उसके प्राण। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान उसके प्राण पीने लगे। आई थी पिलाने भगवान को विष और भगवान पीने लगे प्राण। अब तो घबराई और घबराई और बोली सा मुंच मुंच, मुंच माने छोड़ दे, छोड़ दे। सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे छलिया छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाशिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, अखिल जीव मर्मणि निष्पीड्यमाना, जो सभी के प्राण है, अखिल विश्व के जो प्राण है, जगदात्मा है, जगत प्राण है, सबके प्राण है, प्राण प्राण के जीवन जी के, ऐसे गोविंद ने पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया है। अब तो घबराई बोली छोड़ दे छोड़ दे, अरे छलिया छोड़ दे। भगवान कहते पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, अब तो नहीं छूटे। और जब भगवान ने छोड़ा नहीं नारायण, उस समय ये समझा इसने कि प्राण ही जा रहे हैं। बोली यशोदा मैया समारोह अपना लाला समारोह, जोलो मैया यशोदा उठे उठे तौलों पूतना के नेत्र फट गए। विव्रत नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसुन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः, इसके नेत्र फट गए, हाथ पैर ढीले हो गए और गोविंद को लेकर के आकाश में उड़ गई। राक्षसी में कहां शक्ति जो भगवान को ले जा सके, ये तो भगवान ही लिए जा रहे हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि राक्षसी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं भगवान उसको। गोविंद ने उसके प्राण पी लिए।
और जब प्राण पी लिए तो निष्प्राण होकर के ये रमण रेती में गिरी है। वज्राघात हुआ है नारायण, बहुत शब्द हुआ, घनघोर शब्द हुआ उसके गिरने से। जहां गिरी वहां बहुत बड़ा गड्ढा तालाब बन गया। पतमानो पितत देह त्रिगिवितंत्र द्रुमान चुनलया मास राजेंद्र महादासी तदाद्भुतम। जहां ये पूतना गिरी है तो पूतना के गिरने से छह कोस के वृक्ष, जंगल में गिरी है छह कोस के बिरवा टूटे ही नहीं, चूर्ण बन गए। चूर्णया मास माने चूर्ण की तरह टूट टूट के बिखर गए वृक्ष। पतमानो पितदेह त्रिगिवितंत्र द्रुमान चूर्णया मास चूर्ण बन गए महादासी तदुद्भुतम। ऐसा आश्चर्य हुआ ये है कैसी। बोले ईशा मात्रोग दृष्टास्यम गिरिकंदर नासिकम बद्ध शेत भुजो वंग्र शून्य तो हृदयोदरम। इसके दांत हल्के फाल की तरह हैं। ईशा मात्रोग दृष्टाग्यम दृष्टास्यम और गिरिकंदर नासिकम, इसके नाक के छेद पर्वत की कंदरा जैसे हैं। बद्ध शेत भुजा इसकी भुजाएं इतनी विशाल हैं जैसे किसी नदी का सेतु। बद्ध सेतु भुजो भंग्र शून्य तो हृदय धर्म, इसका उदर सोनी झील की तरह है, खाली झील हो ऐसा विशाल इसका उदर है। अंधकूप गंभीराक्षम पुलिनारो अभीषणम, ये बहुत इसकी आंखें अंधेरे गहरे कुआं जैसी हैं, नाक के छिद्र कंदराओं जैसे हैं। बहुत विशाल राक्षस इसका वर्णन व्यास जी ने किया, ऐसी विशाल राक्षसी है पड़ी हुई है। और ये विशाल राक्षसी और इसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। अब तो भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए और उसे सुंदर देवी का स्वरूप दे दिया। सुंदर देवी का स्वरूप बना करके सुंदर विमान पर बैठा ला और उसे अपने बैकुंठ भेज दिया। विमान पर बैठी बैकुंठ जा रही है। आज देवता कहते हैं ये क्या हुआ, ये जो तो गई थी पिलाने विष, भगवान ने इसे बैकुंठ दे दिया, माता की तरह गति दे दी। छल करने वालों को भी भगवान बैकुंठ देते। मारीच ने छल किया था, भगवान ने उसे भी बैकुंठ दिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयाप्यायदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कम्वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो यम बकी, ए बकासुर की बहन पूतना, स्तन काल कूटम अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने गई थी। जिघांसया भगवान को मारने की इच्छा से गई थी। सा साध्वी कृष्णम विषम अपायत, उस दुष्टा ने भगवान को विष भी पिला दिया। ताम साध्वीं पुतनाम दुष्टाम धात्री मात्र सदृशाम गतिम लेभे, उस दुष्टा पुतना को भगवान ने वो गति दी जो माता को देनी चाहिए। कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण में जाओगे। गई मारन पुतना कुछ काल कूट लगाए, मात उसी गति दई ताको धन्य यादव राय। ऐसो को उदार जगमा ही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को ना। जो गति जोग विराग जुगत करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीद सबरी कहां अधिक न प्रभु जिए जान। ऐसे परम कृपालु भगवान ने आज पूतना को मोक्ष दे दिया। सुंदर विमान पर बैठा करके वैकुंठ भेज दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
हर भक्तों, इधर माताएं गोपिकाएं चिल्ला पड़ी, राक्षसी उठा ले गई डाकिनी भगवान को, बाल गोविंद को। अब दौड़ी सब उसी ओर जहां शब्द हुआ था, उसी ओर दौड़ी जा रही है। तो देखा पुतना का मृत शरीर पड़ा है और पुतना के मृत शरीर पर भगवान बालक कृष्ण खेल रहे हैं। कन्हैया को उठाया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वगम्। गोमूत्र से कन्हैया को स्नान करवाया। गोमूत्र बड़ा पवित्र होता है, गंगा जल से भी पवित्र, तीर्थ जल से भी पवित्र ऐसा होता है गोमूत्र। गोमूत्रेण स्नापयित्वा गोमूत्र से स्नान करवाया। पुनर्गोरज सार्वगम्, देखिए गोमूत्र बड़ा पवित्र है। जहां गाय बंधती है वहां सभी तीर्थ निवास करते हैं, और गाय के गोबर से जो भूमि लिपी जाती है वहां लक्ष्मी जी निवास करते हैं। हमारे सनातन धर्म में गाय का बड़ा महत्व, गाय माता है। और एक बात और सुनो, गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है।